हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में, जो कि आपकी यूनिट 7 है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस होते क्या हैं। और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेट ओन्स प्रोडक्टिव एसेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड हैज़ कॉमन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस बॉर्डर। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज में बनते हों, या उसका अलग अलग कंट्रीज की मार्केट पे कह सकते हैं हम डिमांड उसके प्रोडक्ट की, या वहाँ पर उसके प्रोडक्ट्स की सेल होती हो। अक्रॉस बॉर्डर मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के जब दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं या वहाँ सेल्स करते हैं, तो उन कंपनीज को क्या कहते हैं? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। मतलब ऐसी कंपनीज जो दूसरी कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन करती हैं और वहाँ बिजनेस करती हैं। इट इज़ इंगेज इन इंटरनेशनल प्रोडक्शन अंडर द कॉमन गवर्नेंस ऑफ इट्स हेडक्वार्टर। लेकिन कंपनीज किसी भी कंट्री में काम करें, लेकिन उनका हेडक्वार्टर क्या होता है? सिर्फ एक होता है, जो उनकी मेन कंट्री से होता है। तो हमने देख लिया ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस होती क्या हैं। तो किस तरह ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस किसी दूसरी कंट्री में अपनी कंपनीज को खोलती हैं या वहाँ की कंपनीज में पार्टिसिपेट करती हैं प्रोडक्शन में, तो नॉर्मली तीन तरीके से करती हैं काम। पहला है आपका सब्सिडरी। सब्सिडरी में क्या होता है वो देख लेते हैं हम। एन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस इन द होस्ट कंट्री इन विच अनोदर एंटिटी डायरेक्टली ओन मोर देन हाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स वोटिंग पावर। आप किसी दूसरे कंट्री में या दूसरी कंट्री किसी कंपनी में उसके टोटल शेयर का 50% से ज़्यादा शेयर आप खरीद लो, परचेज कर लो या एक्वायर कर लो, जिसके थ्रू आपके पास उस कंपनी की जो वोटिंग पावर होती है शेयर होल्डर्स की, वो 50% से ज़्यादा हो जाए, तो वो आपकी एक सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। दूसरा होता है एसोशिएट। इसमें क्या होता है? एन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस इन द होस्ट कंट्री इन विच एन इन्वेस्टर ओन्स अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10% बट नॉट मोर देन हाफ ऑफ शेयर होल्डर वोटिंग राइट। अब सब्सिडरी में क्या हुआ करता कि हम किसी दूसरी कंट्री कंपनी में 50% से ज़्यादा के शेयर एक्वायर करके उसे अपनी सब्सिडरी बना लिया करते। लेकिन अब एसोसिएट में क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री किसी भी कंपनी में मिनिमम 10% से ज़्यादा शेयर हमारे होने चाहिए उस कंपनी में, लेकिन 50% से कम। क्या है? 50% से कम शेयर होने चाहिए, लेकिन 10% से ज़्यादा, वो होती है हमारी एसोसिएट कॉर्पोरेशन या एसोसिएट कंपनीज। तीसरा पार्ट आपका ब्रांच का। तो ब्रांच क्या है? अ होली और ज्वाइंटली ओन्ड इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज इन द होस्ट कंट्री विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आप किसी दूसरी कंपनी में कंट्री में जाते हो और वहाँ की किसी कंपनी में, या तो आप किसी दूसरे से कनेक्ट होकर वहाँ पर अपनी कोई ब्रांच खोल लेते हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी से मिले और आपने एक वहाँ पर एक अपना एक ऑफिस खोल दिया, ब्रांच खोल दिया, या फिर आप एक ऑफिस खोल कर टोटल उसे कंट्रोल करें। मतलब आपका 100 का 100% जो शेयर होल्डर है आप उस कंपनी है, वो आप हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि सब्सिडरी में 50+ होता है, एसोसिएट में 10+ होता है, और ब्रांच में क्या होता है? 100% आपका शेयर आपके पास होता है। अब बात करते हैं कि कंपनीज को या कॉरपोरेशंस को ट्रांसनेशनल क्यों होना पड़ा, दूसरी कंट्रीज में ट्रेड क्यों करना पड़ा, दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस यूनिट्स को क्यों सेटअप करना पड़ा। तो इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला है टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। आप सभी जानते हैं कि एक कंट्री में अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी उस कंट्री में कह सकते हैं कि मंदी आ जाए या डिमांड कम हो जाए या कोई और सब्स्टिट्यूट आ जाए आपके प्रोडक्ट का, फिर तो आप लॉस में चले जाओगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करता है मैन्युफैक्चरर या जो कंपनी ऑपरेशंस होती है, वो टोटल लॉस में चली जाती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एक मार्केट से सीमित ना रखकर वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में अपने सेटअप करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली, अपनी कंपनीज को खोला, जिससे कि अगर एक कंट्री में उनकी लॉस होता है तो दूसरी कंट्री से वो प्रॉफिट करके अपने आप को बैलेंस कर सकें। सेकेंड है टू टैप ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट। अब क्या था, इंटरनेशनल मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी ग्लोबलाइजेशन के बाद, हर कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही थी, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था क्योंकि सारे बैरियर्स एक तरह से हट गए थे, तो एक वर्ल्ड मार्केट डेवलप हो रही थी विश्व बाजार। तो उसमें अपने शेयर बढ़ाने के लिए या उस पर कब्जा करने के लिए
ये कंपनीज या ये कॉरपोरेशंस ट्रांसनेशनल हुई या दूसरी कंट्रीज में इन्होंने ट्रेड शुरू करा। तीसरा है टू रिड्यूस कॉस्ट। अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं तो आपकी उसकी कॉस्टिंग आती है, क्योंकि आप जब अपने प्रोडक्ट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजोगे तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो आपका किस में ऐड होता है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होता है या आपके प्रॉफिट से माइनस होता है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट उसी कंट्री में प्रोड्यूस करो, उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर करो, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कह सकते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी और आपका जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी। तो क्या पॉइंट था? टू रिड्यूस कॉस्ट, जिससे कि हमने उसकी कीमत को कम किया या आपने कह सकते हमने प्रॉफिट को भी सरप्लस किया, बढ़ाया। चौथा है टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ। अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं रिलेटेड टू बैरियर्स, कह सकते हैं हम कि वो आपके प्रोडक्ट को अपनी कंट्रीज में आने नहीं देते, या अगर आपका प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट कर भी रहे हो तो उस पर हैवी ड्यूटी लगा देते हैं, कस्टम ड्यूटी होती है, स्टेट ड्यूटी होती है, बहुत सारी ड्यूटीज लगा के आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी डिमांड अपने आप कम होगी या आप दूसरे प्रोडक्ट को कम्पीट कम कर पाते हैं। तो इसे भी कम करने के लिए, टैरिफ को बचने के लिए, टैरिफ से हम दूसरी कंट्रीज में ही अपनी कॉरपोरेशंस या कंपनीज ओपन करते हैं ट्रांसनेशनल में। फिफ्थ हमारा टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस, या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज। अब जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पर अपने आप प्लांट सेटअप कर रहे हो, अपनी कंपनीज खोल रहे हो, या जैसे हमने सब्सिडरी में बात करी कि आप 50% से प्लस किसी की शेयर्स लेते हो, तो जब आप दूसरी कंट्रीज में जाओगे, वहाँ बिजनेस करोगे, वहाँ अपने प्लांट्स लगाओगे या कंपनीज खोलोगे, तो आपको कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा, वहाँ जिस चीज़ के बारे में एक्सपर्टाइज आपको, वो कह सकते हैं वो नॉलेज गेन कर सकते हैं आप। और कब गेन करेंगे? जब आप दूसरी कंट्रीज में जाके अपनी कंपनीज को वहाँ ऑपरेट करेंगे, वहाँ अपनी कंपनीज को कह सकते हैं कि आप बनाएंगे या अपने सब्सिडरी खोलेंगे वहाँ पे। तो इन रीजनों की वजह से कॉरपोरेशंस को या कंपनीज को ट्रांसनेशनल होना पड़ा। अब देखते हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, इसे शॉर्ट में हम TNCs भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लार्ज इन साइज, क्योंकि जब अभी एक कंट्री में नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड में फैले हुए इनके बिजनेस, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो साइज होता है या शेयर होता है मार्केट में, वर्ल्ड वैल्यू में, वर्ल्ड मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब जब ये एक कंट्री की बजाय ओवरऑल वर्ल्ड में अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकी यूनिट्स स्टेब्लिश हैं, तो इनका ऑपरेशन भी इंटरनेशनल लेवल का होएगा। तीसरा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब यूनिट्स या ऑफिस आप कितने भी खोल लो या सब्सिडियरी कितनी भी खोल लो ओवरऑल वर्ल्ड, इनका कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल सिर्फ एक जगह से होता है, एक हेड ऑफिस से होता है, जो कि आपकी होम कंट्री होती है कॉरपोरेशन की, ओलिगोपोलिस्टिक पावर। अब देख सकते हैं हम कि ओलिगोपोलिस्टिक पावर में जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, या आपका कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, या आप एक मल्टीनेशनल या ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू या डिमांड अदर वहाँ की कंट्रीज के प्रोडक्ट कंपैरिजन ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि आप पूरी मार्केट को एक्वायर कर सकते हैं, या मार्केट में एक बहुत बड़ा शेयर होता है आपका। फिफ्थ आता है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट की बात आती है तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन में जो मैनेजमेंट होता है, हम कह सकते हैं सब कुछ पहले ही प्री डिफाइन होता है कि इस लेवल पे इतने वर्कर्स होंगे या इस लेवल पे ये मैनेजमेंट को संभालेगा। और इनके पास ये तो होता नहीं कि सिर्फ एक छोटे से एरिया में लिमिटेड होते हैं, कि इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ लिमिटेड है कि आपको एक कंट्री से या आपको एक स्टेट से ही अपने एम्प्लॉयर हायर करने हैं। इनके पास वाइड रेंज होती है एम्प्लॉयर्स की, इसीलिए इनका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब जब ये अदर कंट्रीज में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, कॉरपोरेशन खोल रहे हैं या कंपनीज इनकी ओवरऑल वर्ल्ड में, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी बहुत हाई लेवल की होगी, जो कि जब आप डेवलप होते हो तभी आप अदर कंट्रीज में अपने प्लांट्स लगाते हो, अपने यूनिट्स खोलते हो या आपकी कंपनीज खोलते हैं। सेवन्थ है इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि अब जब कोई चीज़ काम होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में ही इसकी कह सकते हैं कि काम करती है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट होता क्या है, जब आप अपनी बाउंड्री को छोड़कर, अपनी होम कंट्री को छोड़कर वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में बिजनेस करते हैं
या मार्केट में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं तो वही होती है आपकी इंटरनेशनल मार्केट। तो टीएनसी के कुछ फीचर्स देखे हमने, लार्ज इन साइज, साइज बहुत बड़ा होता है, इंटरनेशनल ऑपरेशन, वर्ल्ड वाइड ही ऑपरेशन करती हैं, प्रोडक्ट सेल्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक होम कंट्री से इनका कंट्रोल किया जाता है, इनके रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, ऑलिगोपोलिस्टिक पावर, ऑलिगोपोलिस्टिक मतलब आपसे पूरी मार्केट को कंट्रोल करने का दम रखते हैं ये, क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है, पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनके पास, मैनेजमेंट होता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो इनकी होती है एकदम अपडेटेड टेक्नोलॉजीज होती है मार्केट के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट, और इनका जो मार्केट एरिया है सेल्स का है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, वो बहुत बड़ा होता है। बात करते हैं मार्केट पावर ऑफ टीएनसी की, इनकी पावर कौन कौन सी है। तो फर्स्ट आती है हमारी इंट्रा फर्म ट्रेड। इंट्रा फर्म ट्रेड क्या होता है हम देख लेते हैं। इंट्रा फर्म ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज टू मैक्सिमाइज देयर जॉइंट प्रॉफिट। अब आप एग्जांपल पे ले सकते हैं कि एक कंट्री में कोई मोबाइल आपके स्मार्टफोन की कंपनी है और दूसरी कंट्री में आपकी ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरफोन कंट्री कंपनी है, तो वो दोनों आपस में क्या करें, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बेचो और हम आपके प्रोडक्ट को आपसे लेकर अपनी कंट्री में बेचेंगे। क्योंकि क्या है, देखिए अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको ब्लूटूथ डिवाइस की नीड भी है और आपको ईयरफोन की नीड भी है, तो इसी तरह जब अगर वो अकेले अपने प्रोडक्ट को बेचते तो वो सिर्फ एक चीज़ को बेचते, लेकिन आप दोनों चीज़ को कंबाइन करके बेच रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा। दूसरा होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में भी डिफाइंड एज प्राइसिंग डेट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्म्स लेंथ प्राइस विच इज मार्केट प्राइस यूज बाय द टीएनसीज टू अचीव कर्टेन कॉर्पोरेट गोल्स। ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस चेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय द पेरेंट कॉरपोरेशन टू इट्स सब्सिडरी। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में होता क्या है कि नॉर्मली आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इस चीज़ का इतने का प्रोडक्शन किया और आपने इतने में सेल करा उसे, तो आपको एक्यूरेट आपका प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर्स भी होंगे, उन्हें आपको प्रॉफिट भी देना होगा। लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या करते हैं कि वो अपने खुद की सब्सिडरी खोलते हैं कोई, या कह सकते हैं कोई भी आपकी ब्रांच बना लेते हैं जिसे कि बताया नहीं जाता कि ये हमारी ब्रांच है, या कह सकते हैं कि एक सबके सामने लीगली नहीं रखते कि ये उनके ही सब्सिडरी है या उन्हीं के ब्रांच है। तो उसमें क्या करते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई बनाते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने की कंपैरिजन, या फिर वो बनाते ही नहीं बना के दूसरी कंपनी में से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी से खरीद कर सेल किया है। तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अभी अगर कोई कंपनी है वो 30 का प्रोडक्ट बनाती है, 30 रुपये लगाकर उसे 100 में सेल करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे 70 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी वो क्या करे कि वो जो प्रोडक्ट है वो अपनी दूसरी सब्सिडरी से खरीदे 30 रुपये की बजाय 50 रुपये, वो दिखा देगी कि हमने इस प्रोडक्ट को 50 रुपये में ख़रीदा है और फिर उसे मार्केट में बेचे 100 रुपीज़ में, तो इसका जो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, इसका प्रॉफिट होएगा 50 रुपीज़ का। लेकिन रियलिटी में कितने का प्रॉफिट है, क्योंकि 30 की प्रोडक्ट उसने हमें 50 की बेची थी और वो कंपनी भी उसी की थी, प्रॉफिट तो उसे उतने का ही हुआ है 70 का। लेकिन अब गवर्नमेंट की रूल में या रूल्स के अंदर हम देखेंगे तो उसे प्रॉफिट 50 रुपीज़ का हुआ है। तो नॉर्मली इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ किया जाता है कि आप देख सकते हैं व्हाई इट इज़ यूज, ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज़ क्यों किया जाता है। हमने देखा उस टाइम उसका प्रॉफिट शेयर घटा दिया एक तरह से, लेकिन प्रॉफिट बराबर हुआ था, लेकिन देखने के लिए शेयर घट गया। तो फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि अब शेयर होल्डर तो उसी एक कंपनी के हैं, तो वो प्रॉफिट जो आप कह रहे थे 50 रुपीज़ का हुआ था, शेयर होल्डर्स को तो सिर्फ उस 50 रुपीज़ के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, जो दूसरी उनकी सब्सिडरी थी जिसमें उसने अपने 30 के प्रोडक्ट को 50 में परचेज किया था उससे, उसके जो 20 रुपये थे उसका शेयर किसी को नहीं मिलेगा। और टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, अब जब हम अपना प्रॉफिट कम दिखाएंगे तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है या टैक्स के स्लैब होते हैं वो भी हमारे इनकम के साथ बढ़ते रहते हैं उनका रेट, तो वो भी कम हो जाएगा और हमारा टैक्स बच जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि हमने टैक्स को कम कर देते हैं। अब आइडेंटिटी ऑफ टीएनसीज विद देयर होम कंट्रीज, तो नॉर्मली हम किसी कंपनीज को, टीएनसीज को उसके कंट्रीज के नाम से किस तरह जानते हैं वो देखते हैं। इसमें दो होती हैं, पहली आपकी कम्युनिटेरियन कैपिटलिज्म और दूसरी होती है आपकी
इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिज्म। अब इन दोनों में क्या होता है कि जो फर्स्ट होती है आपकी कॉमिटेरियम है, इसमें आपकी जो नॉर्मल फाउंड होती है जर्मनी और जापान की आपकी कंपनीज में आती हैं, कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, या मेन कह सकते हैं कि इनका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन कंपनीज का। सोशल वेलफेयर इज द इम्पोर्टेंट इशू अकॉर्डिंग वर्कर एंड एम्प्लॉयज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द शेयर होल्डर्स। इट मीन्स डेट द प्रॉफिट कैन बी स्कैरिफाइड टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। इसमें क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कंपेरिजन टू सोसाइटी के या मार्केट के या शेयर होल्डर्स के कंपेरिजन। इनके लिए इनका जो एम्प्लॉय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो उसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनका सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें रखते हैं कम्युनिटेरियम कैपिटलिज्म में। और दूसरा होता है हमारा इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है कि आपके नॉर्मली यूएसए और यूके की इसमें कॉरपोरेशन आती हैं, कंपनीज आती हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके लिए शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट सबसे पहले होता है। कह सकते हैं शेयर होल्डर्स सबसे पहले हैं कंपेरिजन टू देयर एम्प्लॉयज, देयर वर्कर्स। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर इनका मेन मोटिव होता है। इनके लिए इनके वर्कर कह सकते हैं उनकी हाई सैलरी इफेक्ट नहीं करती, या कह सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या नीड है, वो सब चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते या उसको वैल्यू नहीं देते। ये सिर्फ वैल्यू अगर देते हैं तो शेयर होल्डर्स जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है या सोशल वेलफेयर है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं जो TNCs होती है वो मोस्टली किन कंट्रीज से होती है, मैक्सिमम 4 कंट्रीज को दे रखा है, USA, जापान, UK, जर्मनी। मैक्सिमम जितनी भी TNCs हैं वो इन चारों कंट्रीज से ही आती हैं। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपेरिजन टू शेयर होल्डर, और सेकेंड में अपने शेयर होल्डर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेरिजन टू एम्प्लॉयज़। अब रिसेंट ट्रेंड इन TNCs के, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है या किस तरह ये काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं। द ग्लोबल लिबरलाइजेशन हैज़ पेव्ड द वे फॉर वास्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द TNCs। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन इन दोनों की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ी है TNCs, क्योंकि सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए, बैरियर्स हट गए। अब कोई भी कंट्रीज में जाके आप अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं या वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी यूनिट बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है द सेल्स ऑफ 200 TNCs अकाउंटेड फॉर 27.5% ऑफ वर्ल्ड GDP इन 1999। अब जो रिपोर्ट है हमारी 1999 की है, इसमें 27.5% तो ज़्यादा वर्ल्ड GDP का वो टॉप 200 TNCs का सेल्स टर्नओवर था, या कह सकते हैं 200 TNCs की अर्निंग थी टोटल GDP के अंदर आपकी। थर्ड पॉइंट है वट ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी 36 वर कंट्रीज एंड 40 वर TNCs। अब जो 50 सबसे कह सकते हैं ग्रोथ करने वाली इकोनॉमीज या ऐसे कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे तेज़ से डेवलप हो रहे हैं इकोनॉमिक रूप से, तो उनमें से 50 की लिस्ट है, और 50 में से 36 तो आपकी कंट्रीज तो इकोनॉमिकली बहुत तेज़ से डेवलप हो रही हैं और 14 आपके TNCs हैं। इन 2001 फॉरेन एफिलिएट्स अकाउंटेड फॉर अबाउट 54 मिलियन एम्प्लॉयज, देयर सेल्स वर ऑलमोस्ट $19 ट्रिलियन इन 2001। ये कुछ डाटा दे रखा है 2001 या 2001 के हिसाब से, कि उस टाइम पे जो टोटल देखा गया था TNCs में एम्प्लॉयज़ थे वो 54 मिलियन थे, और उनकी जो सेल्स थी $19 ट्रिलियन में नापी गई थी। द GDP ऑफ मैनी कंट्रीज स्मॉलर दैन TNCs सेल्स टर्नओवर। और ये भी देखा गया कि कई कंट्रीज़ का टोटल GDP इन TNCs की सेल्स से भी कम होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपका नेपाल है, आपका श्रीलंका है, म्यांमार है, तो इनकी टोटल GDP जितनी भी है वो कई गुना कम है TNCs की सेल्स टर्नओवर से। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज, कि ऐसे कौन से कह सकते हैं कि इश्यूज हुए, क्योंकि हर भी जब कोई कंट्री में कोई नई चीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं, थिंक होती हैं, बहुत सारे कह सकते हैं हम एक्शंस होते हैं कि उन्हें नहीं आना चाहिए या हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये हमारे कंट्रीज़ के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज़। कि नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या होती है, मतलब जब ये किसी कंट्रीज़ में जाते हैं तो इनका मेन मोटिव ये तो नहीं होता कि सोशल वेलफेयर करेंगे या आपकी पॉवर्टी को कम करेंगे या सोसाइटी के लोअर
ग्रुप्स के लोगों के लिए काम करेंगे। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सिर्फ अर्निंग ग्रोथ करना, सिर्फ अर्निंग के लिए किसी कंट्रीज में जाते हैं ये। सेकेंड आपका ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी कौन सी लेके जाते हैं ये कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी को तो लेके जाते नहीं दूसरी कंट्रीज में, ये उसी टेक्नोलॉजी को लेके जाते हैं जो उनके पास एक तरह से ख़त्म हो चुकी होती है या मार्केट वैल्यू उसकी ना के बराबर होती है उस कंट्री में या होम कंट्री में उनकी, तो उसी को ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरा है एक्सेसिव रेमिटेंस। एक्सेसिव रेमिटेंस में आप कह सकते हैं कि जो उनकी पेमेंट्स होती हैं या अर्निंग होती है इनकी, या इनकी कहते हैं सेल्स होती हैं, अब जितना भी अर्निंग करती हैं कुछ टाइम बाद क्या करते हैं ये अपनी सब्सिडियरी होती हैं, अलायंस कंपनीज होती हैं या इनकी ब्रांच होती हैं उन पर प्रेशर डालती हैं, या उनसे कुछ ना देना पड़ता है अपनी होम कंट्री को। जब आप दूसरी कंट्री में आपकी कोई कंपनी है अर्निंग कर रही है तो अर्निंग जाएगी कहाँ? जाएगी तो उसकी होम कंट्री में ही, चाहे रॉयल्टी बेस पे जाए, चाहे कमीशन बेस पे जाए, चाहे फीस में जाए। तो आपको वहाँ पर भी आपके बीओपी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि जो आपकी कंट्री की सारी करेंसी या कह सकते हैं हम फॉरेन करेंसी को दूसरी कंट्री में भेजते हैं। फोर्थ आपका क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि अगर आप पिज़्ज़ा या बर्गर देखते हैं तो मार्केट में इनकी कौन डिमांड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनीज हैं, फूड आउटलेट्स हैं जिनके मैक्सिमम शेयर कैप्चर कर रखे हैं। तो आप देखेंगे पिज़्ज़ा हट, बर्गर, डोमिनोज, मतलब यही दो तीन कॉरपोरेशन हैं जिनकी पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी इन्होंने। ये सब क्या हैं? ये सारी TNCs हैं। तो यही होता है इसमें कि जब ये होती हैं तो मार्केट में एक तरह से कैप्चर कर लेती हैं या मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं उस प्रोडक्ट की, जिसके कारण वहाँ का जो लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है मार्केट से। फिफ्थ हमारा रेस्ट्रिक्टेड क्लॉजेज। रेस्ट्रिक्टेड क्लॉजेज में क्या होता है कि आप अगर वो आपकी कंट्री में आते हैं, अपनी कॉरपोरेशन स्टार्ट करते हैं या सब्सिडरी बनाते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी लाते हैं या उनकी जो रिसर्च होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसे आप शेयर नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से हमारे पास इशू होता है कि बिजनेस तो हमारी कंट्री में आके करेंगे, वो प्लांट हमारी कंट्री में है, उनकी कंपनीज हमारी कंट्री में है, लेकिन उनकी कोई भी फाइल्स, रिसर्च या कहते हैं एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी हम नहीं ले सकते या वो शेयर नहीं करते। फिफ्थ आपका एलियन कल्चर। अब एलियन कल्चर में जब कोई कंट्री हमारी कंट्री में आएगी तो वो अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करती है या अपने कल्चर को चारों तरफ फैलाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो हमारा खुद का कल्चर है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, जो कि हमारे कल्चर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। सेवन पॉइंट है आपका डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब कोई दूसरी कंट्री कंपनी आपकी कंट्री में आती है तो उसको क्यों आती है? क्योंकि आपके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे या चीप थे, तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिट से ज़्यादा यूज़ करती है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कम करते हैं। एट्थ है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको बताया था कि किसी अपनी सब्सिडी से अपने प्रोडक्ट को परचेज करके दोबारा रीसेल दिखाते हैं वो, जिसके थ्रू एक तरह से कह सकते हैं कि अपने टैक्स से बच जाते हैं या अपने टैक्स को कम करते हैं या शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को कम करते हैं। तो इससे किसका लॉस होता है? हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनके प्रॉफिट से टैक्स लेती है, हमारे शेयर होल्डर्स का जिन्होंने उस कंपनी में पैसे लगाए थे। नाइन्थ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ये कहते हैं कि TNCs आती ज़रूर है हमारे कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं, लेकिन सिर्फ लोअर लेवल या मिडल लेवल पे देती है एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्रीज़ के एम्प्लॉयर्स को। अगर हम देखें उन्हें एक अच्छी खासी पोस्ट पे, मैनेजमेंट पोस्ट पे, अपर लेवल पोस्ट पे कभी भी ये उन्हें हायर नहीं करते। अब हम देखते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव से या इंडियन TNCs क्या कर रही हैं या हिंदुस्तानियों की या इंडियंस की क्या राय है TNCs के बारे में। देख सकते हैं हम कि इवन देन अ नंबर ऑफ TNCs ऑपरेटेड इन इंडिया आइदर थ्रू कोलेबरेशन विद इंडियन एंटरप्राइजेस टेकिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर और थ्रू देयर ऑन सब्सिडरीज। अब इंडिया में बहुत सारी TNCs हैं जो इस टाइम पे खुल रखी हैं, या तो किसी इंडियन कंपनीज के साथ कोलेबरेट करके या फिर अपनी वो उन्होंने सब्सिडरी बना रखी है यहाँ पर। सिंस 1991 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइज द FDI पॉलिसी। हर जगह देख रहे हैं कि ये सब चीज़ आई कहाँ से है। जब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है, जब हम ग्लोबलाइजेशन में गए थे 1991 की पॉलिसी के अंदर, उसके बाद ही सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कह सकते हैं हमारा एग्रीमेंट हुआ या एक दूसरी कंट्रीज में हमारी कंपनीज आने जाने लगी, सेटअप करने लगी। तो ये सब तब से बड़ा। और अगर हम देखेंगे तो ड्यूरिंग द लास्ट मोर देन 1.5 डिकेड सिंस लिबरलाइजेशन, अगर हम 10 या 15 साल बाद देखते हैं
बात की बात करें जो हमारा लिबरलाइजेशन था, तो इंडियन की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ट्रांसनेशनल हो चुकी हैं, ओवरऑल वर्ल्ड बिजनेस कर रही हैं, अपनी वैल्यू क्रिएट कर चुकी हैं। इनमें आप कुछ नाम देख सकते हैं, आपके रिलायंस है, TCS है, महिंद्रा है या BPL है। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो TNCs बिजनेस में या ओवरऑल वर्ल्ड में इनकी कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं और इनका बिजनेस चल रहा है, या इनकी कैसे में ब्रांड वैल्यू उन्होंने अपनी डेवलप कर ली है TNCs के तौर पर। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। आज ये आपका ख़त्म होता है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड।